Phi is equal to magnetic flux linked with one turn multiplied by total number of turns. अब यहां तक भी अगर आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि P हो गया है म्यू जीरो एन आई ए, और फिर आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग इसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दे, बट सोलेनोइड में अकेला नंबर ऑफ टर्न काम में नहीं आता, क्या लेना पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स, पर मुझे तो क्या चाहिए बोले नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसलिए यहाँ पे साथ में क्या लेना पड़ेगा n into l, और अब फॉर्मूला होगा म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए एल, ये आपके लिए आएगा किसका फॉर्मूला पाई का फॉर्मूला। हमने जो हेडिंग डाली है वो क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें आया सेल्फ इंडक्टेंस नहीं आया, कैसे लेकर आए पाई इज इक्वल टू एल आई, अब दोनों पाई पाई हैं इक्वल कर दो, एल आई इज इक्वल टू यू जीरो एन स्क्वायर आई ए एल, एल और एल कट, अरे सॉरी आई और आई कट, आई एम सॉरी ये एल और ये एल दोनों हो गया, आई और आई कट, एल इज इक्वल टू यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये सेल्फ इंडक्टेंस के लिए और ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड के लिए। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड, एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी निकाला है टू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, सोलेनोइड के लिए एल कितना zero n square al, अब अगर i दे रखा है तो very good i square direct लिख देंगे, नहीं दे रखा तो हमें इस i को भी replace करना पड़ेगा, i को replace करने के लिए b is equal to mu zero n i, i is equal to b upon mu zero n, तो यहाँ पर हम लोग आई की जगह लिख देते हैं बी अपॉन म्यू जीरो एन का होल स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू हाफ म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कट हो गया, एक म्यू जीरो भी कट हो गया, अब बचा यू इज इक्वल टू हाफ ए एल b स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो, ये हमारा एक आंसर। अब इसी में वो लोग ये नहीं पूछते, जब भी सोलेनोइड वर्ड आता है एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है हमारे पास होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ सोलेनोइड, वापिस बोलो ये हमने फॉर्मूला निकाला एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, वो केवल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो लोग आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि फाइंड द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ सोलेनोइड, तो वॉल्यूम कहां से आया, एरिया इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो ये जो ए एल है ये आपके लिए वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ से ए एल हटा दो, क्या बचा हमारे पास हाफ बी स्क्वायर अपॉन, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला है और एनर्जी इन अ सोलेनोइड का ये फॉर्मूला है, तो देखना दो बार क्वेश्चन में कि वे वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है या नॉर्मल पूछा है। नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन, लिखिए इट इज अ फिनोमेना
It is a phenomena according to which an opposing EMF is produced in a coil. Is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with the neighboring coil. हमारे पास एक कॉइल हो गई या मैंने पूरी ड्रॉ कर दी कॉइल. इस कॉइल में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें अगर खुद में चेंज हुआ तो हमने नाम दे दिया सेल्फ इंडक्शन. लेकिन इसके चेंज के कारण उसके पास में रखी हुई दूसरी वाली कॉइल के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो हम लोग इसे नाम देंगे म्यूचुअल इंडक्शन. फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम. मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal is directly proportional to वहां था phi is equal to li, यहां पे हो गया phi is equal to mi. m कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस. उसके बाद e is equal to minus d phi by dt minus d by dt of phi की जगह mi. तो e is equal to minus m di by dt. इसकी भी यूनिट हेनरी होती है. यहां तक आपका पूरा सेम लिख लीजिए. फैक्टर्स इफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन. फैक्टर्स इफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स. इसमें हमें तीन कंडीशंस दे रखी है. फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में ये हमारी मेन कॉइल हो गई L1 वाले. L1 इसलिए बता रही हूँ कि अभी सेल्फ इंडक्शन है ना. ये वाला पार्ट जो है ये कनेक्टेड है बैटरी से, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ. अब इसी पर सेकेंड वायर आ गया. व्हेन सेकेंड कॉइल इज बाउंडेड ऑन द फर्स्ट वन, म्यूचुअल इंडक्शन कैसा होगा? डेफिनेटली इट इज मैक्सिमम. उसके बाद सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने ली ए, उसके पास में हमने दूसरे को रखा. ऐसे ही तीसरी कंडीशन हम लोग ले रहे हैं कि ये वाला फर्स्ट वन और इधर की तरफ हमारे पास में है सेकेंड वन. तीन कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन में बाउंडेड वन ओवर द अदर. They are present on the same axis and they are present on the perpendicular axis. इस वाले के अंदर हमारा आंसर होगा mutual induction is maximum. Perpendicular है, it is ना के बराबर रहेगा, क्योंकि induction तभी possible है कि या तो ये एक दूसरे को face कर रहे हो या line में हो या एक के ऊपर एक coil हो. हाँ, यहाँ पर हम ऐसा वाला भी ले लेते हैं कि एक इधर है और एक इधर है, तो फिर हम इसे नंबर वन पे रखते हैं, इसको नंबर टू पे, इसको नंबर थ्री पे और इसको लीस्ट नंबर फोर पे. तो किस हिसाब से कॉइल अरेंज है उसी पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करेगा. इसके अलावा यहाँ पर एक फॉर्मूला और है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू एम अपॉन L1 L2 का अंडर रूट. ये सिर्फ फॉर्मूले के काम में आएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं. तो पहले आप लोग लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग
K is equal to under root of m upon l1 l2. m मतलब दोनों के लिए, l1 और l2 इंडिविजुअल के लिए, m मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस और l1 और l2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड द सेकंड कॉइल. सेकंड कॉइल में डेवलप है नहीं है वो सब कुछ डिपेंड करता है भाई. l1 को अगर हम लोगों ने फर्स्ट कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो उसके पास l1 है, सेकेंड वाली भी बैटरी से कनेक्टेड है तो l2 है. अगर उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो वो कैसा हो जाएगा, जीरो. इसलिए हम लोग उसके आंसर अलग अलग के हिसाब से अलग अलग देते. हाँ वासु, नेक्स्ट प्रिंसिपल लिख लीजिए. एसी जनरेटर इट इज अ डिवाइस which is used to convert mechanical energy into electrical energy its main principle is EMI Next, DC generator it is a device which converts mechanical energy into electrical energy in unidirectional EMF or current. एक ही डायरेक्शन में होगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिडायरेक्शनल ईएमएफ ऑफ करंट, ईएमएफ और करंट. इसके बाद लिखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एक्सप्लेन कर रही हूं मैं अभी, सब कुछ लिखने का काम खत्म करिए. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इफ थंब फोर फिंगर FOUR नहीं FORE फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉमा द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स the direction of field comma thumb represents the direction of motion then the central finger will represent then the central finger will represent induced current
central finger will represent induced current. कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूजन रहता है कि लेफ्ट हैंड कब यूज करना है और राइट हैंड कब यूज करना है. राइट हैंड हम तभी यूज करेंगे, राइट हैंड मतलब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऐसा नहीं बोले राइट हैंड कब यूज करेंगे. राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल कब यूज करेंगे, जब हम ईएमआई की बात करें, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ रहा होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से करंट के प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो राइट हैंड यूज करो. और जब पहले करंट का डायरेक्शन दे रखा हो और फील्ड का डायरेक्शन देखना है तब हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे. यानी जो पुराने चैप्टर्स हैं जिनमें हम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं उसमें लेफ्ट हैंड, और अभी वाला चैप्टर जिसमें हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हम लोग क्या ढूंढने जा रहे हैं इंड्यूस्ड करंट का, तब हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड. दोनों में हमारे पास सेम ही पार्ट होता है. ये वाला पार्ट मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स या मोशन को रिप्रेजेंट करता है. फिर ये वाला पार्ट जो है कौन सी फिंगर, फोर फिंगर, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. और ये जो आपका सेंट्रल पार्ट हुआ ये रिप्रेजेंट करता है इंड्यूस्ड करंट को. यहाँ पर जब हम बोलते हैं तो हमें करंट दे रखा होता है, तो ये पार्ट होता है करंट का, ये पार्ट होता है फोर्स या वेलोसिटी के लिए, और ये वाला पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड का. तो इधर वाले में हमें करंट दिया होता है, मोशन दिया होता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी होती है. यहाँ वाले में क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, फील्ड के बारे में दे रखा है. फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर फिंगर, दिस इज रिप्रेजेंटेड मोशन, और ये वाला हो जाएगा हमारा कर. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप ये डिजाइन करते हैं ना तो इट शुड बी मेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अपन क्या करते हैं कि अपन ने ऐसे खोल दिया, अब ऐसे तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे नहीं लेने का, हमेशा इनको 90 डिग्री पे बनाइए, उसके बाद में अपना आंसर निकालिए तो आपका आंसर सही तरीके से आएगा. ये भी आप डिजाइन करो तो ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ऐसे ओपन कर लिया, कैसा करने का ये. और ये वाला पार्ट आपका करंट को रिसेंबल कर रहा है, करंट नीचे जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है. फिर जब करंट देख लोगे उसके बाद आप फोर्स के बारे में सोचोगे कि ये करंट है, अब फोर्स इधर है या फोर्स इधर है, उस हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती जाती. तो डायग्राम अपने हाथ के हिसाब से जाएगा और आपका 90 डिग्री पर जाएगा. ऐसा नहीं बोला हमसे तो नहीं बना मैम, हम दोनों को साथ में लेकर, तो साथ में नहीं ले जाना, आपका वेरी करेगा, आपको पता चलेगा ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है. ऐसे करोगे तो ये इधर, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, नीचे जाओगे, हर एक में अलग अलग आंसर आएगा. ठीक है, तो राइट हैंड कब और लेफ्ट हैंड कब, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गड़बड़ नहीं करना.